हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली पटेटो की रेसिपी। चिली पटेटो की रेसिपी आज मैंने खास नवरात्रि स्पेशल के लिए बनाई है। इसमें प्याज का यूज़ नहीं हम करेंगे। एंड चिली पटेटो की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 4 से 5 कुछ पटेटोज़ हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। चिंग्स की चिली सॉस का यूज़ नहीं किया, रेड चिली सॉस का यूज़ किया है, और ना ही मैंने किसी मैदे का यूज़ करा है। मैंने चावल के आटे के पाउडर का यूज़ करा है। सो गाइज, अब हम चावल के आटे के पाउडर को 3 टेबल स्पून जो हैं अपने इन पटेटोज के अंदर मिक्स कर लेंगे। 1, 2 एंड 3। एंड अब हम इसको अच्छे से हैंड्स के साथ मिक्स कर लेंगे। गाइस, अब हम इन पटेटोज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, अब हमारे ये पटेटोस लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। एंड अब हम इनको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। सो गाइस, अपने इन पटेटोस को हम एक बारी दोबारा अपनी कढ़ाई में डालकर इनको डीप फ्राई करेंगे दोबारा से। और डीप फ्राई होने के बाद हम इनको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस, अब हमने ऑयल को कढ़ाई में रख लिया है, ठीक है। हमने सिर्फ 2 to 3 स्पून ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। और हम इसको अब अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जो पटेटोज़ हमने फ्राई किए थे, इसको हम इन कैप्सिकम्स के साथ अंदर डालेंगे। अब हम स्वाद अनुसार इनमें सारे मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर और ये है सॉल्ट। स्वाद अनुसार डालें, जैसे भी आपका टेस्ट है। सो गाइज, ये मैंने सॉस तैयार की है। इसमें टमाटो केचप और रेड चिली सॉस ऐड है। ये पूरा मिक्सचर हम अपने पटेटोज चिली पटेटोज में ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे। मैंने 1 स्पून सोया से वो ऐड करी है ताकि ये ब्लैक कलर ना कन्वर्ट हो जाए। इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, ये बन गए आपके टेस्टी टेस्टी चिली पटेटो विदाउट अनियन। गाइज, अब मैंने अपने चिली पटेटोस को इस बाउल में सर्व कर लिया है। सो आप देख रहे हो उसका कलर कितना प्यारा आया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।